नंबर 39 का प्रिंट आउट लें जिसका नाम है रॉकेट प्रोपल्शन। चलो रॉकेट प्रोपल्शन स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या होता है रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो कैसी कैलकुलेशन, वो तो खैर बहुत डीप कैलकुलेशंस करते हैं हर चीज पे, वो तो इंजीनियरिंग है पूरी, बट पॉइंट इज कि उसका बेसिक प्रिंसिपल आज हम करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है उसमें। तो रॉकेट प्रोपल्शन में वेरिएबल मास क्यों लिखा है वैसे, रॉकेट का वेरिएबल मास? हाँ, क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल बर्न होता रहता है, बहुत सारा फ्यूल डाल के भेजते हैं रॉकेट में और वो फ्यूल का मास बहुत ज्यादा होता है और टाइम के साथ वो फ्यूल कम होता जाता है। तो आप चेक कर सकते हो इसमें ये फ्यूल है ग्रे कलर का, भरा पड़ा है फ्यूल से, फिर फ्यूल कम हो गया, फ्यूल और कम हो गया और करते 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 बिल्कुल कम हो जाएगा, फिर वो किसी प्लैनेट के या किसी मून के या किसी भी उसमें ऑर्बिट में सेट हो जाएगा जिसमें फ्यूल की जरूरत नहीं है। घूमने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं है, जाने अर्थ ग्रेविटेशनल पुल के लिए फ्यूल की जरूरत है। एक बार ग्रेविटी के पुल में चले गए फिर प्रोजेक्टाइल की तरह ही उड़ता जाएगा, वेलोसिटी एक्वायर हो ही जाएगी उसकी और फिर वो उतना फ्यूल चाहिए कि वो उस ऑर्बिट में जाए, फिर वो उस ऑर्बिट में जब जाता है तो फ्यूल की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली घूमता जाता है। तो ऐसा कैसे होता है वो ग्रेविटेशन चैप्टर भी आपको बताएगा, बट अभी इसको प्रिंसिपल से डिस्कस करते हैं। क्या करियो वापस, चलो इसके कई फेजेस भी होते हैं, वो फ्यूल टैंक वो निकाल भी देते हैं, उसका कुछ पार्ट हिस्सा हल्का हो जाता है ताकि वो स्पीड और इंक्रीज कर सके। चलो आगे देखते हैं इसको करना कैसे है। देखो सबसे पहले रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा, ये आ जाता है स्कूल में, व्हाट इज रॉकेट प्रोपल्शन, एक्सप्लेन रॉकेट प्रोपल्शन, और कॉम्पिटिशन में इसका न्यूमेरिकल कैसे करना है या एनसीईआरटी में भी कैसे करना है तो उसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको रॉकेट प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज इसमें एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास के अंदर क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब प्रोपल्शन ऑफ अ रॉकेट, तो ये टॉपिक लिखेंगे, या फिर क्वेश्चन आएगा डराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट व्हेन फायर्ड, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एक्सप्रेशन आएगा। व्हाट इज मेंट बाय बर्नट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, बताऊंगा बर्नट आउट स्पीड क्या होती है,
एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, रॉकेट में फोर्स कितनी लग रही है ऊपर जाते हुए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सबका एक ही आंसर है जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल, तो आपने जरूर लिखना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। तो प्लीज हेडिंग लिख लो यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। तो प्रिंसिपल में इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था व्हाट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हम क्या करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में, कि अगर मान लो गैसेस नीचे जाती हैं तो रॉकेट बदले में ऊपर जाता है, बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे आती है, सेम प्रिंसिपल है, M1 V1 M2 V2 वाला सेम कॉन्सेप्ट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। वो कह रहा है इट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, रॉकेट में गैसेस एट अ हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, फ्यूल जलाते हैं बहुत हाई प्रेशर और जो बर्न करते हैं गैसेस, दे एस्केप विद अ लार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ नोजल, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे निकलती हैं नोजल से, अ लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ गैसेस इंपार्ट्स इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम टू द रॉकेट, जितना मोमेंटम गैस का उतना मोमेंटम रॉकेट का है, बट ड्यू टू द डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट, फ्यूल बर्न होता जा रहा है तो मास कम होता जा रहा है, रॉकेट क्या एक्वायर करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि मास कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। तो प्रिंसिपल समझ में आ रहा है पूरा, और पूरी वर्किंग लिख दोगे यहां पर इस पैराग्राफ में, कोई डाउट इसमें? फिर आपने मैथमेटिकल पोर्शन लिखना है इसका, देखो कैसे। तो इसमें एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी गेन्ड बाय द रॉकेट में, सपोज लेट अस सपोज किसी टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे रॉकेट का मास m नॉट था, m नॉट का मतलब है बिल्कुल एकदम इंक्लूडिंग ऑल गैसेस, कुछ भी मास कम नहीं हुआ तो रॉकेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ फ्यूल, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, जब वो चला था ग्राउंड से तो उसकी वेलोसिटी v नॉट थी। तो क्या मैं ये डायग्राम से समझ सकता हूं, m नॉट था उड़ते ही एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी v नॉट थी, थोड़ी देर बाद फ्यूल कम हो गया, फ्यूल नीचे निकलने की वेलोसिटी कितनी है v ऑफ g, वेलोसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट है ये तो वेलोसिटी ऑफ गैस, एंड एट टाइम t ये सिचुएशन थी, मास कितना हो चुका है m नॉट की जगह m, और किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है v, क्लियर यहां तक? तो ये m नॉट से m हो गया, वेलोसिटी v नॉट से v हो गई। अब अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, गैस और कम हो जाएगी, तो गैस कितनी कम हो गई dm, तो गैस कम हो गई देखो, तो गैस का मास निकलने से अब बचा हुआ मास कितना हो गया m माइनस dm, dm तो चले गई गैस, और वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो गई, वेलोसिटी और बढ़ गई, हल्का हो गया रॉकेट, तो v प्लस dv, तो dv अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है जब गैस का मास कितना खत्म हो रहा है dm, और गैस की वेलोसिटी कितनी है vg, सिचुएशन क्लियर है? और टाइम थोड़ा बढ़ गया t से t प्लस dt, तीनों डायग्राम्स क्लियर हैं, तीनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं आपने इसमें। तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मास कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, गैस की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मेरे ख्याल से m नॉट समझ में आ गया, v नॉट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, अब ये कब सिचुएशन कब है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, फिर अंडरलाइन करो एट टाइम t इज इक्वल टू t, t टाइम पे m इज द मास ऑफ द रॉकेट लेफ्ट, अब मास कितना है रॉकेट का m, v is the velocity acquired by the rocket, तो velocity acquired by the rocket कितनी है इसमें v, जब time t है, और gases क्योंकि निकलती जा रही हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि m not बड़ा है m छोटा है, m not greater than m, and ये भी बोल सकता हूं कि v greater than v not, तो v की value v not से तो बड़ी है क्योंकि speed बढ़ती जा रही है, situation clear है? दो situations, तीसरी situation at time interval dt, छोटा सा टाइम इंटरवल dt इंक्रीज होता है,
तो डीएम का मतलब स्मॉल डिक्रीज इन द मास ऑफ द रॉकेट, मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीज हो गया बाय अमाउंट डीएम क्योंकि गैस एस्केप हो गई, डीवी का मतलब इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट हो गया, और वीजी का मतलब वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो गैस की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये सारे वेरिएबल समझ में आ गए। तो अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये गन है और ये बुलेट है, दोनों किस पे पड़े हुए हैं? एट रेस्ट। ठीक, तो गन का मोमेंटम जीरो गोली चलने से पहले, बुलेट का मोमेंटम जीरो। अगर गोली चल जाती है और बुलेट आगे जाती है तो गन का मोमेंटम कितना होगा? एम टू वी टू कहा बैकवर्ड, और कितना कितना होगा ताकि इन दोनों का सम क्या आ जाए? जीरो। ऐसा हमने किया। ठीक, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मैंने किसी तरीके से गन और बुलेट सिस्टम लिया और मान लो मैंने इसको रेस्ट पे नहीं लिया, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड सपोज, यानी कि अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनका इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इनका कुछ तो मोमेंटम था ही था। कितना मोमेंटम था? M1 प्लस M2, अभी गोली नहीं चली, बस ऐसी गन और बुलेट इकट्ठे जा रहे थे और इतने मास के साथ, और जिनकी वेलोसिटी कितनी थी? 10। तो मतलब मैं ये थोड़ा ना कह सकता हूं कि अब इनका मोमेंटम जीरो है, कुछ तो मोमेंटम था ही दोनों का, गोली चल गई अपने आप, ये ना कहो भी कैसे चली, चलती बंदूक में बस चल गई गोली, गोली जैसी भी अपने आप चल गई और जिससे कि गन पीछे जाएगी। अब मोमेंटम ऐसे लेना पड़ेगा कि इन दोनों का सम एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाए? जीरो नहीं, इनके इक्वल आ जाए, क्योंकि गोली चलने से पहले मोमेंटम जीरो नहीं था, गोली चलने से मोमेंटम ये था, और गोली चलने के बाद M1 चला गया विद V1, M2 चला गया विद V2, लेकिन अब इन दोनों का सम जीरो नहीं आएगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। कंजर्वेशन मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाना आ गया। ऐसा नहीं होता कि गोली चलेगी तो हमेशा M1 V1 M2 V2 होगा, अगर आपका सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी तो जितना मोमेंटम गोली चलने से पहले था उतना ही गोली चलने के बाद भी होगा, कोई डाउट इसमें? हाँ, अगर वो रेस्ट पे था फिर जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये वेलोसिटी जीरो कर दो, अगर नहीं है फिर पुट करो। नहीं समझा, देखो ऐसा है, ये चल रहा था, वो कैसे चल रहा था यार मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक, मैंने हाथ में पकड़ा नहीं पकड़ा मैं उसमें डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं तो हुई नहीं ना बीच में, ये तो एक हाइपोथेटिकल केसेस है यार। जब प्रैक्टिकल करते हो तो हाथ चाहिए होगा, ऑब्वियसली हम भी फोर्स लगाते हैं, हमारे पर फोर्स लगती है, बट अभी तो हम बीच में जा नहीं सकते ना यार, फिर वही कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, आपका हाथ लग गया जी, आपकी फोर्स लग गई, फिर आप दो क्वेश्चन और पूछोगे, तो मैं तो बीच में आ ही नहीं रहा ना, तो ये तो किताबी बातें हैं कि हाँ अगर ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, फिर प्रैक्टिकल करते करते चीजों में और चीजें ऐड करते जाएंगे, फोर्स इंपल्स, फिर चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, पर यहां तक क्लियर है। अब सेम चीज मैं लगाना चाहता हूं रॉकेट के अंदर। देखो एक रॉकेट, ये रॉकेट है और रॉकेट की गैस नीचे निकल रही है, मान लो फॉर एन इंस्टेंट रॉकेट ऊपर जा रहा है, अभी गैस बीच में है, अभी कुछ फ्यूल बर्न नहीं हुआ, ये ऊपर जा रहा है और इसका मोमेंटम मान लो 10 है, पूरे रॉकेट का मास इंक्लूडिंग दिस गैस और इनटू टोटल वेलोसिटी वी 10 है, गैस निकल गई, ये वाला हिस्सा निकल गया, ये नीचे गया तो रॉकेट ऊपर आया, इन दोनों टुकड़ों का मोमेंटम का सम भी उतना ही होना चाहिए जितना जब ये इकट्ठे मूव कर रहे थे, यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि गैस का निकलना और रॉकेट का ऊपर जाना वो तो ठीक है, पर जैसी गैस बर्न हुई उससे पहले पहले जो भी मोमेंटम था और निकलने के बाद जो मोमेंटम है दोनों का, गैस का और बचे हुए रॉकेट का, बचे हुए रॉकेट का, वो एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, हमने किया था लास्ट टाइम, पर मैंने बॉम्ब को रेस्ट पे लिया था, मान लो ये बॉम्ब ऑलरेडी मूव कर रहा है, ये बॉम्ब के अंदर दो पार्टिकल्स हैं M1 एंड M2, दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी ऑफ V, तो ठीक है आप कहोगे इनिशियल मोमेंटम कितना है M1 प्लस M2 इनटू कितना V, मान लो 10 kg है, चलो 10 kg और आसान कर लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 10 इनटू V, इसमें से एक टुकड़े का की वेलोसिटी V1 हो जाती है और दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी V2, और एक आगे जाता है एक पीछे जाता है, तो भाई इक्वेशन तो यही बनेगी ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम,
हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का जीरो है, अब उड़ता हुआ बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि बॉम्ब अगर रेस्ट पे है तो ठीक है जीरो ले लो, जीरो इज इक्वल टू एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, पर बॉम्ब नहीं है रेस्ट पे, किसी ने उछाल के फेंक दिया उसे, अब उड़ता जा रहा है, उसका मोमेंटम जो भी था फटने से पहले और फटने के बाद दो पॉइंट्स का, दो पार्टिकल्स का, वो क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब ये बॉम्ब छोड़ो, ये रॉकेट है, 10 किलो का रॉकेट है, रॉकेट ऊपर उड़ रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम ये रहा, रॉकेट में से गैस नीचे निकल गई तो ये मोमेंटम किसका? गैस का, और ये बचे हुए रॉकेट का, तो ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ रॉकेट इंक्लूडिंग गैसेस इज इक्वल टू गैस का मोमेंटम और रॉकेट का मोमेंटम, रॉकेट का बचे हुए का मोमेंटम पॉजिटिव और गैस का नेगेटिव। पॉइंट समझ में आ रहे? आ जाओ इधर। रॉकेट किसी भी इंस्टेंट पर एम मास पे था हवा में और वेलोसिटी क्या थी? वी। इसमें से गैस निकली कितनी? डीएम, डीएम, और वेलोसिटी कितनी होगी? वी प्लस डीवी। तो जब ये गैस नहीं निकली थी या फॉर एन इंस्टेंट ये सिचुएशन थी तो रॉकेट का मोमेंटम क्या था? एम इंटू वी, रॉकेट का मास इंक्लूडिंग गैस, ये सिचुएशन, और वेलोसिटी वी। ये स्टेप क्लियर है? इस और इस सिचुएशन को ध्यान से देखना, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन यहां और यहां लगा रहा हूं, गैस निकली डीटी टाइम में तो रॉकेट का बचा हुआ मास कितना हो गया? एम माइनस डीएम, और वेलोसिटी कितनी है? एम माइनस डीएम की वी प्लस डीवी। ये तो रॉकेट की बात होगी, फिर गैस की कौन बात करेगा? गैस का भी तो मोमेंटम होगा, तो गैस कहां जा रही है? ऊपर नहीं, गैस कहां जा रही है? नीचे। गैस की वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी? वीजी, और गैस का मास कितना खर्च हुआ? डीएम। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो टोटल मोमेंटम एमवी, और ये रॉकेट का मोमेंटम, और ये गैस का मोमेंटम। लिख लेना, दिस इज टोटल मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम ऑफ रॉकेट, दिस इज मोमेंटम ऑफ गैस, तक याद रहे पढ़ते हुए कि हमने दो मोमेंटम्स को ऐड किए हैं, रॉकेट और गैस के, और क्योंकि गैस नीचे जा रही है तो साइन माइनस लगा दिया। ये टोटल मोमेंटम है एमवी, ये रहा, रॉकेट में से गैस बाहर निकल गई डीएम, तो रॉकेट का मास कितना हुआ? एम माइनस डीएम, वेलोसिटी वी प्लस डीवी, फिर गैस कितनी खर्च हो गई? डीएम, वेलोसिटी वीजी। अब एक काम करते हैं, इसको ना इक्वेशन को ओपन करते हैं, बताओ ओपन करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इसमें? राइट साइड 5, कैसे? दिस इनटू दिस 1, एम इनटू डीवी 2, माइनस डीएम इनटू वी 3, माइनस डीएम इनटू डीवी 4, और ये 5, 5 टर्म्स आएंगी। इन्हें ओपन करें प्लीज, ब्रैकेट ओपन करने सबको आते हैं, मल्टीप्लाई करना, चेक करो ये ओपन किया हुआ है इसने, कितनी टर्म्स आ गई? 1, 2, 3, 4, 5। पांचवे टर्म में V के पैर में G लगाओ, VG है ये, VG, ठीक, करेक्शन कर लो, ये VG है। ठीक है यहां तक? आगे ये 5 टर्म्स आ गई, अब एक और काम कर लो इन 5 टर्म में, DM इज वेरी वेरी स्मॉल, DV इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे डीएम की वैल्यू 0.0001, डीवी की वैल्यू 0.0001, बहुत छोटे इंस्टेंट पे काम हो रहा है, मल्टीप्लाई करो 0.0001, इतनी छोटी टर्म्स क्यों लिखेंगे? एरर्स में भी तो करते थे, डेल्टा वी, डेल्टा ए, डेल्टा बी का प्रोडक्ट छोटा होता है, तो लिखो इसके ऊपर एरो डालकर निग्लेक्टेड, लिखो इसमें निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड लिखो, ताकि याद आ जाएगा कि उड़ा दिया हमने। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अच्छा, फिर एक काम करो, लेफ्ट की तरफ एमवी है, राइट की तरफ भी एमवी है, कट करो इससे, एमवी से एमवी कट गया, कट करो, एमवी एमवी कट गया, ठीक है, एमवी एमवी कैंसल हो गया, माइनस हो गई ना, उड़ गया, तो आपके पास ये बचा होगा, अब जीरो इज इक्वल टू, इधर बचा एमडीवी, एक टर्म बच गई डीएम इंटू वी,
एक टर्म बच गई माइनस डीएम इंटू कितना वीजी, ये टर्म बच गई। इन दो टर्म में से डीएम कॉमन आ रहा है, चेक कर लो, तो डीएम कॉमन आ गया और क्या बचा वी प्लस वीजी। इस टर्म को इधर ले आते हैं, डीएम इंटू वी प्लस वीजी इज इक्वल टू कितना एम इंटू डीवी। ये स्टेप क्लियर है, ये देखो सीधा कर दिया इसने, एम इंटू डीवी इज इक्वल टू डीएम इंटू वी प्लस वीजी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक रीअरेंज किया, डीएम को कॉमन निकाल लिया, ये रहा, फिर उसको उस तरफ ले गए। ठीक है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, एक नई वेलोसिटी इंट्रोड्यूस की गैस की, जबकि गैस की वेलोसिटी ऑलरेडी थी कितनी वीजी। अब उसने क्या कहा, यू भी वेलोसिटी किसकी है, ये रिलेटिव, अंडरलाइन करो, दिस इज दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस। वीजी का मतलब वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू का मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन होता है, आपको न्यूमेरिकल में वीजी नहीं गिवन होता, आपको न्यूमेरिकल में वेलोसिटी किसकी गिवन होती है, गैस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो यू गिवन होता है। तो यू का मतलब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो एक बात बताओ, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। हमने वेक्टर चैप्टर किया था, हमने वेक्टर में रिलेटिव वेलोसिटी की और हमने ये सीखा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट का मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, यही होगा, यही था। और ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही था इसका मतलब। दोनों वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो कितनी है, वीजी। वीजी का साइन माइनस लगाना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ऊपर की डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, तो गैस की नीचे की वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस वीजी। में से क्या माइनस करें, रॉकेट की वेलोसिटी, और रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है वी, वो तो ऑलरेडी ऊपर है, तो दो वेलोसिटीज को माइनस कर दिया, कैसे, माइनस वीजी माइनस वी। माइनस वीजी का मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस और वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ये पॉइंट समझ में आया, तो क्या बनेगा, माइनस वीजी माइनस वी, माइनस कॉमन आ गया, तो यू इज इक्वल टू माइनस वीजी प्लस वी, तो वीजी प्लस वी क्या आ जाएगा, माइनस यू। क्लियर है यहां तक? तो ये इसलिए किया क्योंकि ऊपर वाले रिजल्ट में वी प्लस क्या आया हुआ है, वीजी, और मैं वी प्लस वीजी की जगह क्या पुट करने वाला हूं, माइनस यू, तो इसकी जगह माइनस यू। ये आगे इक्वेशन, इसको बॉक्स में डालो, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बॉक्स में डालो, एम इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम, डाल लिया। समझ में आई ये इक्वेशन कैसे बनी? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। ज्यादातर बुक्स ये मेथड सिखाती नहीं आगे वाला, ज्यादातर बुक्स यहां से शुरू करती है इक्वेशन लिखना, ये वो कहती है देखो मास ऑफ रॉकेट m है, इंक्रीज इन रॉकेट की वेलोसिटी dv है, m1 v1, गैस का मास कितना है dm है और गैस की वेलोसिटी कितनी है u, m2 v2, तो m1 v1 इज माइनस m2 v2, डन, क्लोज। यहीं से शुरू कर देती है एक्सप्रेशन, मजा नहीं आता उसमें करके, लेकिन मजा इसी में आता है, पता लग रहा है ना कि कैसे आया। धक्का करना है तो ठीक है, अब जिसको शॉर्टकट ही मारना है वो यहां से करके अपने चलते बने तीन नंबर ले लेगा, बट वैसे सही कराया उसने। अगर न्यूमेरिकल में भी यूज करना हो, कहीं पता हो, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है उसमें, मुझे बढ़िया लगा वैसे वो। ठीक, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बाकी कुछ नहीं है इसमें, बाकी हो गया सॉल्व। ये देखो, तो इसमें एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी वी एक तरफ, एम इसके नीचे ले आओ, ये ठीक है आपके असाइनमेंट, डिवाइड है ये, क्या हुआ डिवाइड, अच्छा इसमें नहीं आया प्रिंट आउट, चलो ये डिवाइड है और यहाँ माइनस भी है, माइनस है, चेक करो स्टेप, ठीक है, अच्छा ठीक है, आपके असाइनमेंट में सही है प्रिंट आउट, कोई बात नहीं। तो इसमें माइनस यू इंटू डी एम बाई एम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा डी वी माइनस यू इंटू डी एम बाई एम। अब ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, जब स्मॉल मास स्पेंड कितना है डी एम, तो रॉकेट को जमीन से उड़ाते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, वी नॉट वेलोसिटी थी,
किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है v, तो v की लिमिट्स क्या लगेंगी, v नॉट से v। यहां पर लिमिट्स मास की लगेंगी क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मास है, तो मास इनिशियली भरा हुआ था रॉकेट m नॉट और किसी भी इंस्टेंट में कितना हो गया m, तो लिमिट मास की m नॉट से m। तो 1 dv की इंटीग्रेशन क्या होती है v, v नॉट से v। 1 dm की क्या होती है log ऑफ m, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log का नेचुरल बेस लेते हैं कितना e, तो नेचुरल बेस इज e, तो ये बाय डिफॉल्ट e होता है। कहां से कहां तक m नॉट से m, मैथ्स की प्रॉपर्टी है एक बार लिमिट अपर इसमें v माइनस v नॉट हो गया, m की जगह अपर लिमिट तो log ऑफ m, लोअर लिमिट m की जगह m नॉट तो log ऑफ m नॉट। क्या ये स्टेप क्लियर है? v नॉट राइट साइड पे चला जाएगा तो आप या पहले ही कर लेते हैं माइनस u log m माइनस log ऑफ m नॉट का मतलब log a माइनस log b log ऑफ a अपॉन b, तो माइनस u log m डिवाइडेड बाय m नॉट। क्लियर है? log की फिर एक प्रॉपर्टी है, अगर आप इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दें m बाय m नॉट की जगह m नॉट बाय m, तो ये माइनस क्या कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। मैथ्स वालों को तो पता होगा, नहीं मालूम अभी? अच्छा, ये प्रॉपर्टी है मैथ्स में, आपको सिखाएंगे। तो ये नंबर इंटरचेंज करें तो पावर माइनस वन आ जाती है और वो माइनस वन बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जरूरत नहीं है, ऐसी सफिशियंट है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से v इज इक्वल टू v नॉट राइट साइड पे गया तो v इज इक्वल टू v नॉट u प्लस log ऑफ, ये फॉर्मूला आ गया, इसको बॉक्स में डाल लो, आंसर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट इसके इक्वल आएगा। ठीक, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि वेलोसिटी कैसे आएगी? ठीक है, अगर रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जब वो उड़ा था इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, तो फिर ऊपर v नॉट को जीरो पुट करते हुए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी आई इसको अंडरलाइन कर लेना, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स है और इंक्लूडिंग ग्रेविटी, मैंने इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लिया। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट लिया जाएगा तो मुझे वेट ऑफ द रॉकेट भी लेना था, जो मैंने नहीं लिया इसमें। मैंने वेट ऑफ द रॉकेट नहीं लिया इसमें, मुझे इसमें वेट ऑफ द रॉकेट एमजी भी एडजस्ट करना था, मैंने किया नहीं, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो बिना वेट के है। वेट के साथ क्या करना है मैं बताता हूं वो भी, पर यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बर्नड आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, बर्नड आउट स्पीड को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये होती क्या है? द स्पीड एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, तो रॉकेट कितनी स्पीड एक्वायर करेगा एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन होल ऑफ इट्स फ्यूल गेट्स बर्न, जब पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं जो रॉकेट एक्वायर कर लेगा, बर्नड आउट स्पीड, भी फ्यूल बर्न हो चुका है। तो ऐसे केस में ये अंडरलाइन करो, एम आर का मतलब रेजिडुअल मास ऑफ रॉकेट एट दैट इंस्टेंट। रेजिडुअल मास का मतलब बचा हुआ मास, कि जो रॉकेट है उसका फ्यूल तो उड़ गया सारा, इनिशियली रॉकेट कितने मास से उड़ा था, एम नॉट से उड़ा था, और नॉर्मली एम का मतलब होता है मास एट एनी इंस्टेंट इंक्लूडिंग फ्यूल, जो थोड़ा बहुत फ्यूल बचा है एम है, पर यहां तो फ्यूल ही नहीं बचा, तो एम की जगह सपोज हमने क्या कर लिया एम आर, एम आर का मतलब फ्यूल के बिना उसका मास कितना हो गया एम आर, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। कुछ नहीं करना आपने, इसमें m की जगह mr पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सेकंड एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करो, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? फोर्स, कि रॉकेट पे फोर्स कितनी एक्सपीरियंस की जा रही है। ठीक, तो एक काम करो, ये आपने बॉक्स में डाला था याद करो थोड़ी देर पहले, इस इक्वेशन को चेक कर लो, यही थी नहीं? इसे इक्वेशन नंबर वन मार्क करो, लिखो इक्वेशन नंबर वन, बॉक्स में जो ये इक्वेशन लिखी थी इसे लिखो इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ठीक, अब यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, जो भी इक्वेशन नंबर वन लिखी थी वो लिखो यहां पे, क्या थी चेक करना, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, यही था, लिख लो यहां पे इसके ऊपर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम, एम इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम।
लिख लिया, कोई डाउट इसमें? एक काम करो, उस इक्वेशन को दोनों तरफ dt dt से डिवाइड कर दो। देखो ना, dt dt से करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसको सर्कल कर लेना यहाँ पे ताकि याद आ जाएगा dt dt से डिवीजन हुई है, सर्कल कर लेना ताकि दूर से दिखेगा कि dt dt दोनों तरफ आए। ठीक हो गया यहां तक? अब देखो dv by dt क्या होती है, एक्सेलेरेशन, और मास इनटू एक्सेलेरेशन क्या होती है, फोर्स। तो फोर्स क्या आ गई, माइनस यू dm by dt, आंसर आ गया फोर्स का माइनस यू dm, ये आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और माइनस साइन क्यों, क्योंकि ऑपोजिट टू दी, क्योंकि गैस लगा रही है तो गैस के ऑपोजिट रॉकेट उड़ रहे हैं। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये रॉकेट प्रोपल्शन का टॉपिक है जो बहुत फेमस टॉपिक माना जाता है आपके लॉज ऑफ मोशन और इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल में, तो इस तरीके से करना है। ठीक, अब कुछ फॉर्मूलाज जो हम एक बार ध्यान से देखेंगे, और इन फॉर्मूलाज के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखो कैसे करना है। देखो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला किया, अब थ्रस्ट ऑन दी रॉकेट या थ्रस्ट ऑन दी रॉकेट, हमने थ्रस्ट ऑन दी रॉकेट क्या किया, U into dm by dt, माइनस साइन तो चलो डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड क्या किया ऊपर अभी किया था U into dm by dt, और dm by dt क्या था, रेट ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ फ्यूल जितनी, dm by dt का मतलब, dm का मतलब फ्यूल बर्न हो गया, कितनी देर में, dt टाइम में, तो रेट ऑफ बर्न ऑफ फ्यूल जो भी है dm by dt। तो रॉकेट पे ऊपर फोर्स क्या लग रही है, इतनी, हमने ना ग्रेविटी का फैक्ट नहीं लिया था अभी पूरे एक्सप्रेशन में, और क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रॉकेट। अब रॉकेट के ऊपर मान लो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, रॉकेट का अपना वेट है 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या मिलेगी, 10 में से 2 गया 8 न्यूटन, यही होता है। तो हम यही करेंगे, रॉकेट के ऊपर फोर्स क्या लग रही है, यू इंटू डीएम बाई डी टी, रॉकेट का अपना वेट कितना है एम जी, तो माइनस करेंगे तो कौन सी फोर्स आएगी, रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर तो न्यूमेरिकल आता है थ्रस्ट ऑन रॉकेट, सिर्फ थ्रस्ट, फिर तो सिर्फ ये आएगा, अगर आएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रॉकेट फिर ये आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। अब एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट के अंदर देखो, मैंने अभी आपको ये बताया कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रॉकेट का फॉर्मूला क्या बना था अभी, यू इंटू डी एम बाई डी टी माइनस कितना एम जी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब एक काम करते हैं, हम इसे, हम ना एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये स्टेप क्लियर है यहां पर? ये लो, ठीक, तो मैंने ऐसे लिख लिया, और मैं क्या निकालना चाहता हूं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये मैंने डिवाइड कर लिया इस राइट साइड को किससे, मास से। कोई डाउट इसमें? ठीक है, और मास तो इसमें चेंज ही हो रहा है, रादर मुझे लिखना चाहिए मास ऑफ रॉकेट इनटू जी, वेट भी चेंज हो रहा है ना उसका, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, पूरा लिख लेता हूं वैल्यू को बिना पुट किए, मास ऑफ रॉकेट इनटू जी, और यहां पर भी मास ऑफ द रॉकेट इनटू जी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मास तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल मास का क्वेश्चन है ये, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, मास से मास तो हो गया कैंसिल, क्योंकि जो ऊपर चेंज हो रहा है नीचे भी वही चेंज हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मास ऑफ रॉकेट है वो कांस्टेंट तो है नहीं, इनिशियली रॉकेट जब उड़ा था तो मास कितना था बोलो, एम नॉट था, एम नॉट का मतलब क्या था, रॉकेट का मास इंक्लूडिंग ऑल गैस, एम नॉट था, पर टी टाइम के बाद मास तो कम हो जाएगा, तो ये जो एक्सेलरेशन निकल रही है तो इंस्टेंटेनियस है टी टाइम की है, तो मैं मास एम नॉट थोड़ा लूंगा, एम नॉट से कम लूंगा, कितना कम लूंगा, मैं लूंगा टी इंटू डीएम बाई डी टी। आप कहोगे ये क्या चक्कर है, कैसे? देखो एक बात बताओ कि अगर डी टी टाइम स्पेंड हो जाता है तो गैस कितनी खर्च हो जाती है आपकी, डीएम गई गैस, डीएम, डी टी टाइम में डीएम गैस एग्जॉस्ट बर्न हो गई,
यूनिट में कितनी हो जाती है, डीएम बाय डीटी, दिस इज रेट ऑफ बर्न ऑफ फ्यूल, कितने इस रेट से फ्यूल बर्न होता जा रहा है, और टी टाइम में कितना बर्न हो गया बोलो, डीएम बाय डीटी इनटू टाइम कितना, ये बर्न हो गया, इतना फ्यूल अगर बर्न हो गया इतने केजी, तो टोटल मास कितना था एम नॉट, इतने केजी बर्न हो गया तो बचा हुआ मास कितना है, एम नॉट में से इस मास को माइनस कर दें, ये मास है इस टाइम, ये मास है, कोई डाउट इसमें? तो आपने नोट किया होगा इस मास की जगह फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की हुई है, चेक करो। तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझ में आ रहा है, यही है ना, देखो वही सेम यू यू इंटू डीएम बाई डी टी, ये देखो यू इंटू डीएम बाई डी टी डिवाइडेड बाई मास एम नॉट माइनस टी डीएम बाई डी टी, और ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये फॉर्मूला याद रखना आपने तो, पर बना कैसे, अगर लिखना चाहते हो दो स्टेप्स लिख लो, ताकि कल को अगर पढ़ोगे एक छह महीने बाद तो याद नहीं रहेगा आप फॉर्मूला कैसे, फिर पूछोगे कैसे बना, तो लिखना है तो नोट लिख लो कहीं पर भी साइड पे, नहीं तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, इट्स ओके, याद तो फॉर्मूला ही चाहिए, बना कैसे वो तो पूछेगा नहीं कोई न्यूमेरिकल में, ठीक। मास नीचे आ गया, ये तो कट गया, जी बच गया है, तो ये मास होगा कितना, एम नॉट टोटल था, इतना गैस बर्न हो गया, बचा कितना एम नॉट में से कितना बैग गैस खत्म, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक आगे? अच्छा, वेलोसिटी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, जो डराइव किया हमने वेलोसिटी ये डराइव की थी, चेक करो, ये थी वेलोसिटी, राइट, और हमने ग्रेविटी का इफेक्ट को निग्लेक्ट किया था, पर अगर ग्रेविटी का इफेक्ट लेना है तो ये वेलोसिटी अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वी अभी वेलोसिटी इतनी है, थोड़ी देर के बाद क्या वेलोसिटी होगी, वी अभी इतनी वेलोसिटी है, v u plus at लगा रहा हूं मैं, v is equal to velocity जो हमने ड्राइव की माइनस gt, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा,
किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है, पर ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि रॉकेट जब उड़ रहा है तो वो जी को कांस्टेंट मान रहा है। अब जब वो ग्रेविटी बहुत ऊपर चला जाएगा, जी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वेरिएशन निगलेक्टेड है। वैसे इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता नहीं है, ग्रेविटी के साथ नहीं आता, बिना ग्रेविटी के आता है तो फिर तो हो ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो जैसे अगर ग्रेविटी निगलेक्टेड है तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में एक तो ये टर्म उड़ जाएगी जी, एक ये टर्म उड़ जाएगी जी, तो आपके दो फॉर्मूले छोटे हो जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, अगर तो ग्रेविटी निगलेक्टेड है फिर तो एक्सेलरेशन में जी नहीं लेना, वेलोसिटी में जी वाले टर्म नहीं लेने, अगर निगलेक्टेड नहीं है फिर ये दो टर्म साथ लेनी। क्लियर है यहां तक? तो इन फॉर्मूलाज के बेस पे, ये एक्चुअली थ्योरी जितनी कॉम्प्लेक्स है ना, न्यूमेरिकल उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, दो तीन फॉर्मूलाज हैं। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। आप जरा ये क्वेश्चन पढ़ना, पहला 25th क्वेश्चन, मैंने साथ साथ हिंट भी लिखे हुए हैं कि हर टर्म का मतलब क्या है। आया, फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ, फ्यूल का कंजम्पशन का जो रेट होता है उसको कैसे लिखते हैं, डीएम बाय डीटी। तो डीएम बाय डीटी 100 है। इन अ रॉकेट द एग्जॉस्ट गैसेस आर इजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ, अब ये जो स्पीड है एग्जॉस्ट गैस की, ये बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या गिवन होती है, रॉकेट ही गिवन होती है, तो ये यू गिवन होता है, वीजी नहीं होता। व्हाट इज द थ्रस्ट, dm by dt given है, u given है, और thrust का magnitude क्या था, u into dm by dt, u पता है, dm by dt पता है, multiply करो thrust आ गया, formula तो simple ही है। clear है यहाँ तक? thrust magnitude पूछ रहा है, ठीक। next question, a rocket of initial mass 6000 kg, तो क्या given है, m not including fuel, m not ejects mass at a constant rate of 16, तो क्या given है, dm by dt, तो यानी कि fuel का burn करने का rate, with a constant relative speed of 11, तो मतलब ये u relative speed, what is the acceleration of the rocket a minute 60 second के बाद after blast, neglect gravity नहीं लेना, m not पता है, u पता है, time पता है, और dm by dt पता है, तो यहाँ पर acceleration क्या होगी, ये फॉर्मूला यूज करें, जी नहीं यूज करेंगे बिकॉज निगलेक्ट ग्रेविटी, तो यू पता है, एम नॉट पता है, टाइम पता है, डीएम बाई डी टी पता है, डीएम बाई डी टी पता है, आंसर एक्सलेशन, फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ रॉकेट इज 500 kg, तो ये क्या गिवन है, एम नॉट, and relative velocity of gases coming out is 250, क्या given है, u with respect to the rocket, find the rate of burning of fuel, dm by dt निकालना है, in order to give rocket an initial acceleration of 20, initial acceleration rocket की पता है, अब acceleration rocket का जो formula होता है वो इसके equal है, ठीक। अब initial acceleration क्या होती है ये समझ लो, एक मिनट इधर देखो, इसके अंदर ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला चेक करना, इसमें निगलेक्ट ग्रेविटी नहीं लिखा तो ग्रेविटी वाला फॉर्मूला यूज कर लो। इनिशियल का मतलब क्या होता है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मूले में ना टाइम को जीरो पुट करो, ये उड़ गई टर्म, ठीक। क्या बचा, यू बाई एम नॉट इंटू डीएम बाई डी टी, यू बाई एम नॉट इंटू डीएम बाई डी टी माइनस जी, तो टी उड़ा दोगे तो इनिशियल एक्सेलेरेशन आ गई, U पता है, M नॉट पता है, dm by dt निकालना है, A पता है और G पता है, आंसर। तो इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब टाइम को जीरो पुट करना, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो ये बेसिक्स है रॉकेट प्रोपल्शन के,
थ्योरी में आ जाता है स्कूल में, एक्सप्लेन एंड ड्राइव जो भी है रॉकेट प्रोपल्शन, बाई चांस कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो ऐसे करना है, वैसे प्रोबेबिलिटी कम है इसके न्यूमेरिकल आने की, कम आता है। और एनसीईआरटी का टॉपिक है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको कर लें, तो इतना सफिशियंट है मुझे लगता है। बाकी कोई देखना चाहे तो और क्वेश्चन तो किए हुए हैं, पर ये मिनिमम क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ना है प्लीज, इसी शीट में क्वेश्चन नंबर 31। थर्टी वन करना है लेकिन हमने तो अच्छा। कितने लोगों को समझ में आ गया? आ रहा समझ में? देखो इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, बैलून विद अ मास ऑफ कैपिटल एम, एक बैलून है मास कैपिटल एम है, डिसेंडिंग डाउन नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ए जी से तो कम ही होगा ऑब्वियसली, वॉट मास छोटा एम ऑफ इट्स कंटेंट मस्ट बी रिमूव्ड, तो मैं कितना छोटा एम मास हटा दूं गैस का ताकि वो नीचे एक्सेलरेट करने की बजाय ऊपर एक्सेलरेट करे। तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम से समझ में आ रहा है कि बैलून पहले नीचे आ रहा है फिर बैलून ऊपर जाएगा। बैलून इसलिए नीचे आ रहा था क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, कितना वेट है एम जी। अब कोई तो ऐसी फोर्स होगी बैलून की जो उसको ऊपर लेके जा रही है, वो आ जा नहीं पा रहा था वो अलग बात है क्योंकि वो भारी था, थोड़ा भार कम करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो मान लो गैस की ही एक फोर्स है, हल्की गैस है, वो चाहती है ऊपर जाए, तो एक फोर्स एफ तो ऊपर लगेगी ही लगेगी जो बैलून को ऊपर लेके जाएगी। ये गिवन नहीं है, आपने अपने मन से खुद ही अज्यूम करनी है और आंसर